अल्लाह रहमान रहीम। आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक गुलाम आया और उस गुलाम के चेहरे पर बड़ी कशश थी, बड़ा नूर था। सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे पूछा जाए ये कौन सा अमल करता है। उसने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर जाए, चाहे वो मिट्टी में शामिल क्यों ना हो, मैं उसे उठाकर खा लेता हूं। और फिर आका ने फरमाया कि तुम रोटी की इज्जत करा किया करो, क्योंकि रोटी की इज्जत मेरा रब करता है। अमूमन हमारे माशरे में देखने में आया कि रोटी के टुकड़े बच जाते हैं, हम उनको कचरे वाली बाल्टी में डाल देते या कहीं और फेंक देते, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजक जो है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और जितना आप रिजक की इज्जत करोगे, कदर करोगे, उतना ही आपके घर की तरफ लौट कर आएगा। तो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रोटी की निवाले की इज्जत करो और इसका एहतराम करो, और तुम अपने बर्तन में उतना ही सालन डालो जितना तुम खा सकते हो। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बर्तन को साफ करेगा, बर्तन उसके लिए दुआ करे। ये मेरे रसूल की सुन्नत है। और सीधे हाथ से खाएं, हाथ धोकर खाएं, और फिर चौंकड़ी मारकर खाएं या सीधा गोडा खड़े करके खाएं। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम का मामूल था। वा आखिर दावना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।